हाय एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। तो गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमने एक पैकेट गुलाब जामुन की मंगा ली है, तो देखिए बाज़ार से मंगाया है और खोआ हमने घर पे बनाया है, तो इस खोआ को भी उसमें मिक्स करेंगे। तो हमने पैकेट का सारा जो पाउडर है सीमा सोना उसको थाली में निकाल के रख लिए हैं और इसमें थोड़ा सा हम मैदा मिलाएंगे। मैदा हमारा आधी कटोरी होगा, छोटी वाली कटोरी से। तो देखिए इसमें सारा खोआ हम डाल दे रहे हैं और इतना बचाए हैं, अभी बाद में हम इसमें डालेंगे ताकि इसे बढ़िया से मिक्स कर लें। तो देखिए इस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं और थोड़ा सा हम दूध भी लेंगे, तो दूध आधी गिलास ही हम लिए हैं। अगर ज़रूरत लगेगा तो और भी डालेंगे, खोआ जो बचा था उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। तो मैद रहे हैं इस तरह से और इसे आटे की तरह गूंथना है, तो हम इसे गूंथ के थोड़ी देर के लिए रखेंगे। उसके बाद इसके बॉल्स तैयार करेंगे और ये देखिए रेडी हो गया है। तो अब हम इसके बॉल्स बना रहे हैं। अब बॉल्स ही बना के हमें थोड़ी देर रखना है, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम बॉल्स बना ले रहे हैं। तो थाली में हमने ये देखिए रेडी कर लिया है और कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गरम हो चुका है। तो इसमें हम अपना फ्राई करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करेंगे ताकि इसमें कोई टूटने ना पाए। और इस तरह से देखिए हम बना रहे हैं और ये गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी लगता है, तो अक्सर हम बनाते रहते हैं। अगर ये चीज़ आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने एक कढ़ाई ले लिया है और इसी में अपने गुलाब जामुन रखेंगे। तो हमने सीरा पहले से रेडी किया था तो आपको दिखाए नहीं है, आप तो सीरा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आसानी से बनता है। ये किलो चीनी से हमने ये सीरा रेडी किया है और एक सीमा सोना पाउडर था एक पैकेट, तो एक किलो एक किलो चीनी में एक पैकेट सीमा सोना पाउडर लगता है। और देखिए हमने चाशनी इसमें सारा गिरा लेना है और चाशनी हमें गरम चाहिए, तो गरम चाशनी डालने से थोड़ी सी जल्दी से ये गल जाएगा गुलाब जामुन। और देखिए हमने इसमें डाल लिया है, बहुत ही बढ़िया से ये सॉफ्ट हो चुका है और तुरंत ही रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया से इसमें मिक्स हो गया है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना।